इसको एक घंटा चला, दो घंटा चलाने दिया, प्रो गई। अच्छा तीन घंटा। ये देखा गाइस, मैंने बैग भी लिया, बोर्ड भी लिया, बस क्या चाहिए। तो बल्ले बल्ले। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो केरला का ट्रिप भी ख़त्म हो चुका है एंड हम लोग कल ही आए थे। सो कल हमने पूरा दिन रेस्ट किया, कल सुबह पहुँचे थे, मॉर्निंग में 3 या 4 इतने बजे पहुँचे थे हम लोग, तो इसलिए हमने पूरा दिन कल रेस्ट किया। सो आज हम लोग निकल रहे हैं अपने घर के लिए वापस। तो सामान वगैरह हमने सब पैक भी कर लिया, सामान गाड़ी में भी रख लिया है। अब थोड़ी देर में निकल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं एंड उसके बाद हम लोग निकलते हैं, घर जाते हैं। तो गाइज अभी हम लोग निकल रहे हैं, अभी मैं चला रही हूँ गाड़ी क्योंकि यहाँ पे रोड खाली है ना, ये तो मैंने सोचा कि चलो खाली रोड में एक बार चला के देखते हैं, पता नहीं कैसा होगा। मेगा डर रही है, मेगा डर लग रहा है, डर के आगे जीत है। जब तक चलाऊंगी नहीं तो सीखूंगी कैसे भाई। जय प्रभु। नंबर लेफ्ट साइड में रखो अपना, हिंदी करो बस। कल पहुंचेंगे यार ऐसे तो। चला नहीं आज तो, आज तो गाड़ी के पीछे आती हूं। चलो चलो तो रेस्ट दो, रेस्ट दो, रेस्ट दो, अभी रेस्ट दो। कितना 4 घंटा दिखा रहा है ना, 8 घंटे में पहुंच जाएंगे। कोई बात नहीं। ए पूरा रास्ता चला ली? नहीं, जब तक खाली होता अभी अभी तो आराम से चलेगा। जब तक मेरे को कॉन्फिडेंस रहेगा तब तक चलाऊंगी। अभी तो कॉन्फिडेंस आ चाहिए आपके साथ है, हम होंगे कामयाब, होंगे कामयाब एक दिन। हो गया, अब होना क्या है एक दिन। मेरे को अब कॉन्फिडेंस है तभी चला रही हूँ, नहीं होता तो मैं बैठती भी नहीं यहाँ पे। ओ नाइस। हम तालियां तब तक नहीं बजाएंगे जब तक वो आधा घंटा वर्षा जब ड्राइविंग नहीं कर सकेगी। आधे घंटे के बाद वो जाएंगे जब आधा घंटा ड्राइविंग कर लेगी वर्षा। बेफिक्र होके बैठी है आप लोग, उससे पहले हमें अपनी जान बहुत प्यारी है। जो नींद आ रही थी वो भी उड़ गई है हमारी। वर्षा दिल्ली से ड्राइव करते हुए समय है उनका आधा घंटे का, हमने टास्क दे रखा था आधा घंटे से ऊपर हो गया, इसके लिए क्लैपिंग। तालियां, तालियां। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। यह है कि अब पापा को भी आराम मिल जाएगा। हाँ है ना, बारी बारी चलाएंगे। ग्रीन में चलो, चलो चलो। पीछे करना रे। हाँ जी, ओहो पीछे करना, पीछे करना, एक मिनट। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, फिर जान दो, आते आते जान दो। चलो 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 इसमें लो, इसमें या उसमें आराम 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 बस। हाँ चलो सीधा। इसको एक घंटा चला, दो घंटा चलाने दिया, प्रो गई। अच्छा तीन तीन घंटा। ये मोड़ा मोड़ा वो बनाया। देखा गाइस, मैंने बैग भी लिया, बोर्ड भी लिया,
बल्ले बल्ले चलाते चलाते बर्गर भी खा के दिखाते ना भाई बस तो कैसा चलाया मैंने हाय हाय पूछो मत दिल खुश हो गया अच्छा आप बताओ आपने एक्सपीरियंस वाले हो आप तो ठीक है प्लेन में जो है आपको थोड़ा हाथ सफाई करने की जरूरत पड़ेगी आगे मगर जो है हिल एरिया में भी थोड़ा लेना पड़ेगा पर अच्छा चला है प्लेन में ठीक है अब जरा ऐसे 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 में करना पड़ेगा मजा आ गया भाई मजा आ गया तीन घंटे चलाए मैंने 3 घंटे से भी ज़्यादा और वहाँ पे बीच में बर्गर किंग भी गए थे हम लोग ड्राइव वाला उसमें गए थे ना हम लोग ड्राइव थ्रू में गए थे वहाँ पे भी मैंने ऐसे ऐसे करके चलाया यार मज़ा आ गया अब मम्मी लोग के लिए हम इधर रुके हैं ढाबे में ताकि मम्मी पापा खाना खा सके हम लोग तो बर्गर खाएंगे यस तो हमारा खाना भी हो चुका है अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं फिर से मैं ड्राइव करने वाली हूँ एंड मेरे पापा को रिटायर कर दिया अभी मैं चला रही हूँ देखते हैं बस जब तक थोड़ा एकदम भीड़ भड़ाका वाला इलाका नहीं था तब तक चलाती वैसे मैंने बीच में भीड़ भड़ाके में भी चलाया टोल उसमें भी चलाया तो और तो क्या बात है बट फिर भी ठीक है मेरे को मज़ा आ रहा है चलाने में सिर्फ 2 घंटे बचे 3 घंटे मैंने पार कर दिए गुड मॉर्निंग गाइज अनदर डे एंड सेम व्लॉग सो हम लोग कल घर पे पहुंच चुके थे एंड उसके बाद मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रखी थी वैसे भी तो 3-4 दिन से मेरी तबीयत ख़राब हो ही रही है अभी थोड़ा नॉर्मल है अभी थोड़ा ठीक है सो अभी जस्ट उठ के नहा धो के एकदम रेडी हो चुकी हूँ मैं सूट वूट पहन के सो अभी मैं किचन में हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता एंड नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ व्हाट नूडल्स सो अभी मैं ये प्याज एंड गोभी कट करूँगी फिर उसके बाद बनाऊँगी नूडल्स सबके लिए तो गाइस हमने नाश्ता वास्ता किया बैठे थोड़ा गप्पे सप्पे लड़ाए अभी हम लोग मेघा और मैं जा रहे हैं थोड़ा सा ऊपर तक घूम के आते क्योंकि मेघा बोल रही थी यहाँ पे बैठ बैठ के मेरे कमर की रीढ़ की हड्डी टूट गई है तो इसलिए चलते हैं थोड़ा एंड देखते हैं अगर कुछ खाएंगे तो जैसे यहाँ पर इतना वाव वाला टाइप मोमो तो मिलता नहीं बट फिर भी एक जगह है जहाँ पर थोड़ा सा अच्छा मिलता है तो वहाँ पर हम लोग जाएंगे देखेंगे मोमोज वगैरह खाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर मोमोज खाने के लिए और यहाँ पे हम आगे व्यू के साथ एंड मेरा तुझे यहाँ पे आके कैसा फील होता है बता मतलब किसकी तरह सिमिलर रखता है ये मसूरी हाँ हमारे देहरादून में मसूरी है ना उसकी तरह लगता है क्योंकि पहाड़ पहाड़ है ठीक है अच्छा लगता है अच्छी वाइब आती है यहाँ पे हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं एंड अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए क्योंकि उठने के बाद मुझे बनाना है डिनर रात का थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं सो जाते हैं फिर उसके बाद उठ के फिर काम करते हैं तो गाइज वहाँ से आने के बाद मैं मस्त सोई हूँ एंड सो के मैं उठ चुकी हूँ अभी और ये फ्रिज हमारा आवाज़ कर रहा है तो उसको इग्नोर करना सो अभी मैं खाना बना रही हूँ रात के लिए डिनर तो खाने में मैं बना रही हूँ मटन सो यहाँ पर मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है प्याज अदरक लहसुन मिर्ची टमाटर एंड यहाँ पे डरा दिया यहाँ पे मटन डरते हो बना दिया सूट और मुझे गुस्सा कर रहे थे क्यों कहते मैंने और भी सीना था हमने क्यों बताया
तो अभी मम्मी जस्ट मम्मी गए थे मेरा सूट लेने के लिए, क्योंकि जो मैंने नए नए सूट लिए थे वो सिलवाने दिए थे, क्योंकि मेरे पास सूट ख़त्म हो चुके हैं, सब लगा लगा के मैंने ख़त्म कर दिया है, तो इसलिए अभी सूट लेके आए मम्मी, तो वो भी ट्राई करूँगी। तो पहले मटन बनाती हूँ। ये था मेरा सूट जो मैंने देहरादून से लिया था, तो ये बना दिया है, तो अभी मैं इसको ट्राई करती हूँ, देखती हूँ फिटिंग फुटिंग सब कुछ। अच्छा, शादी का कार्ड 15 जनवरी कल जाना है हमें शादी में, तो कल हम लोग शादी में भी जाने वाले हैं। फर्स्ट टाइम शादी के बाद मैं फर्स्ट ये शादी अटेंड करूँगी, तो ये सब मैं सूट ट्राई करती हूँ, फिर आप लोग को भी दिखाती हूँ। तो गाइस मैंने सूट भी पहन लिया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरा ये था सूट, फिटिंग वगैरह तो सब कुछ सही है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कैसा है सूट मेरा। वैसे आपने देखा ही था, ये मैंने देहरादून से जब गई थी तब लिया था, 3 सूट लिया था मैंने साथ में, तो ये सभी एक ही सिला है। अभी 3 सूट और दिया है मैंने सिलने के लिए, क्योंकि गर्म सूट मेरे पास था नहीं, तो इसलिए तो यस अच्छा तो लग रहा है फिटिंग फुटिंग। सो मम्मी को दिखा के आती हूँ। मम्मी मम्मी कौन सा अच्छा है तुम्हारा, तो एक ही उसमें हमने फिटिंग कर देती, खुश कर दिया ना। हाँ खुश कर दिया आंटी, एक ही बार पिछली बार पहले शादी से पहले भी सूट दिया था ना जो सिलाने के लिए, तो वो भी अच्छा सिला था, ये भी फिटिंग का सिला है। तो ये सब मैं चेंज करती हूँ, फिर उसके बाद चेंज करके जाती हूँ खाना बनाने के लिए। हाय बोलो, हाय हाय बोलो। हेलो, क्या कर रहे हो? ये वीडियो ला रही हूँ, हाय बोलो। हेलो, आपको सब मिस, आपको सब मिस कर रहे हो व्लॉग में। अच्छा हाँ, हेलो एवरीवन, ऐसे बोलो। हेलो एवरीवन, आप बोलो कि मैं बहुत जल्द आऊंगा वर्षा के ब्लॉग में। हाँ बिल्कुल, बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द आऊंगा। पति फौज में, बीवी मौज में है ना, अभी काम पे मौज पे नहीं है, अभी काम पे हूँ, मैं काम ही करती हूँ भाई, मौज में थोड़ी रहती हूँ। अभी मटन बना रहे हैं हम लोग भी, मैं मटन बना रही हूँ। यस चलो बाय, परेशान मत करो मुझे, घूम लो मेरा। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं मटन कैसे बनाती हूँ। तो अभी मैंने इसमें तेल डाला था, तेल गर्म हो चुका है, इसके बाद इसमें डालेंगे हम ये तेज पत्ता, इसके बाद आपको डालना है प्याज, फिर आपको इसमें डालना है ये हरी मिर्च, फिर आपको डालना है ये मटन, इसको आपको 10-15 मिनट तक ढक के रखना है, फिर मैं इसको भी ऐसे करके मतलब बंद नहीं करना, ऊपर से ऐसे ढकना है। सो ये तब तक पकता रहेगा, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखा दूँगी 10 मिनट के बाद। फिर आपको ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो भी इसमें डालना है, फिर उसके बाद ढकना है। तो यस जस्ट मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ, अगर जिसको इंटरेस्ट नहीं हो वो ना देखे, जिसको इंटरेस्ट है वो देखे। 10 मिनट हो चुके हैं एंड 10 मिनट के अंदर अंदर बीच में मैंने चलाया भी था इसको, तो आपको चलाना भी है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है 10 मिनट के बाद। तो उसके बाद आपको डालना है ये अदरक लहसुन का पेस्ट, तो इस तरीके से आपको अच्छे से मिक्स करना है, तो इसके बाद इसको अच्छे से चलाना है। अब मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ के एक हाथ से ऐसे करके तो चला नहीं सकती, तो उसको चला के उसके फिर इसको ढक के रखना है। यस मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। इसके बाद आपको इसमें मसाला डालना है, नमक, हल्दी, जीरा मसाला, धनिया मसाला एंड मटन मसाला है तो मटन मसाला डाल दिया, अगर नहीं है तो चिकन मसाला डाल दीजिए। तो यस इसके बाद सॉरी, मसाला डालने से पहले आपको डालना पड़ेगा टमाटर, सो टमाटर आपको डालना है। अब इसके बाद आपको इसमें डालना है मसाला, तो यस मसाला डाल के मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। मैंने मसाला वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया है, तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको मसाला ऐड करने के बाद।
थोड़ा सा कलर चेंज लगेगा, तो इसको आपको फिर से ढक के रखना है क्योंकि मसाला थोड़ा मिक्स होना चाहिए, तो मैंने इसको भी ढक के रख दिया है। यस, उसके बाद थोड़ा सा इसको भूनना है एंड पानी ऐड करना है, उसके बाद सिटी लगानी है, बस बन गया आपका मटन। अब वो भी क्या प्रोसेस दिखाऊँ उतना तो आपको पता चल ही जाएगा। तो यस, उसके बाद जब पक जाएगा फिर मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसा दिखता है एक्चुअल। पता नहीं अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, मेरे को तो यहाँ पे जब भी कुछ चीज़ नया बनाती हूँ ना तो मुझे लगता है कि अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा। चिकन मैं अभी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ यहाँ पे, जब से शादी हुई है एक महीना से ज़्यादा हो गया। चिकन मतलब चिकन तो बनाया नहीं, मटन बना रही हूँ फर्स्ट टाइम, क्योंकि इससे पहले जो भी चिकन मटन वगैरह बना रहे थे वो सब मम्मी बना रहे थे, तो मैं अभी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। पता नहीं कैसा बनेगा, अच्छा बनेगा नहीं। मम्मी तो बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं तो उनके मुताबिक मेरा पता नहीं कैसे बनेगा, देखते हैं। बट मैंने बना रखा है तो मैंने इस बार बनाया है, देखते हैं कैसा होता है। जब बन जाएगा सबको टेस्ट भी कराएंगे, पूछेंगे भी कैसा है, कैसा बना है मतलब। तो यस, बनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज अभी मटन तो बन रहा है, तो अभी मैं यहाँ पे ये आटा गूंद रही हूँ बिकॉज मम्मी पापा शाम को रोटी ही खाते हैं, मैं वो जो कि रोटी बिल्कुल भी नहीं खाती, हर दिन राइस राइस राइस। कल का चावल बचा था तो मैं वही खाने वाली हूँ, मेघा और मैं। मम्मी पापा के लिए मैं आटा गूंद रही हूँ, फिर रोटी बनाते हैं। मटन भी पक चुका है, सो देख सकते हो आप, पता नहीं टेस्ट में कैसा होगा। इसमें अब थोड़ा सा धनिया डालना है, उसके बाद पक गया। तो अभी बना रही हूँ रोटी, फिर उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं। ये टेस्ट करके बताओ मम्मी, ये लो टेस्ट करके बताइए, पता नहीं कैसा बना है। आपके जैसा अच्छा तो नहीं बनाया होगा। हाँ, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। अच्छा भी लग रहा है। हाँ। नमक वगैरह तो सब ठीक है, नमक ठीक है, पक गया है। हमेशा मैं पहले खाना बनाती थी ना तो मेरा नमक हमेशा कम रहता था, मेरी मम्मी का ये सिखाया था तेरा नमक ही कम रहता है, बट आज मैंने परफेक्ट डाला है। ठीक है पापा, मटन खा के बताओ कैसा बनाया मैंने। हाँ, खा के बताता हूँ। मम्मी ने तो बता दिया, स्वाद है ना। सच्ची पका भी बढ़िया है और स्वाद भी है। मेगा बहुत अच्छे से पका है। तो अभी हम खाना खाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं खाना खा के। अच्छा बना है मतलब, ठीक है। अच्छा बना है, अच्छा बना है। अच्छा बना है। ऐसा करो, दोनों हाथ ऊपर करो। पापा ने नहीं किया, पापा अच्छा बना है। बढ़िया अच्छा, बढ़िया मस्त। तो गाइस खाना पीना भी हो गया, अभी ये व्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ। एंड व्लॉग खत्म करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ, जो कि है, ये मैंने पहले एक व्लॉग में भी बताया था, बट फिर भी कितने जनों ने वो व्लॉग नहीं देखा होगा, तो फिर भी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। जो भी मतलब मैं वीडियोस डालती हूँ, जो भी आप लोग कमेंट करते हो, उस कमेंट के नीचे आपको रिप्लाई में आता है टेलीग्राम करके कुछ कि गिव अवे मिलेगा, आप पैसे दो मुझे ऐसे ऐसे, तो वो फेक है। मैंने बताया था पहले भी, बट फिर भी आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं दोबारा बता देती हूँ, वो फेक है, वो मेरा नहीं है। आप कोई भी वो मैसेज ना देखे एंड कोई भी पैसे मांगता है तो मत मांगे। थोड़ा सा आप भी दिमाग लगा सकते हो, मैं आप लोगों से पैसे क्यों मांगूंगी पहली बात तो। एंड मेरे को गिव अवे देना ही होता तो मैं अपने वीडियो में अनाउंसमेंट करती कि हाँ मैं गिव अवे दे रही हूँ, बट ठीक है वो फेक है, दैट्स इट। आई थिंक सो आपको पता चल गया होगा, तो कोई भी इस फेक उसमें ना फंसे, पैसे ना दे। तो यस, ये व्लॉग ख़त्म करते हैं एंड अभी मैं सोती हूँ क्योंकि कल हमको जाना है शादी में, तो मैं उसका भी व्लॉग करूँगी। एंड मतलब अपनी शादी के बाद मैं पहली बार किसी और की शादी में जाने वाली हूँ। तो यस, ये व्लॉग ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।